यूँ तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, परंतु अब कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। राजस्थान की अब पावर सिटी बनेगी जोधपुर। क्यों बनेगी, हम बताते हैं आपको। जोधपुर इसलिए बनेगी क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जोधपुर के सदाशहर से विधायक हैं और वे कांग्रेस के हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र में जल मंत्री बने हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसलिए बनेगी जोधपुर पावर सिटी। कांग्रेस भाजपा के लिए जोधपुर राजस्थान में सत्ता के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरा है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री के कारण सूर्य नगरी पहले से ही सत्ता का केंद्र थी, तो वहीं गुरुवार को सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के केंद्र मंत्री बनते ही भाजपा के लिए राजनीति हिसाब से ये महत्वपूर्ण केंद्र अब बन चुका है। पिछले 4 दशक से अशोक गहलोत राजनीति में सक्रिय हैं। इंदिरा गांधी से लेकर नरसिंह राव तक की सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके हैं गहलोत। ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से जोधपुर पहले से ही सत्ता का केंद्र बना हुआ है, लेकिन सीएम के बेटे वैभव गहलोत को हराने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत के मोदी 2 सरकार में केंद्र मंत्री बनने से भाजपा के लिहाज से भी यह सत्ता का केंद्र बिंदु अब बन चुकी है। मोदी सरकार में शेखावत राजस्थान से एकमात्र कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले शेखावत को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के हस्तक्षेप के कारण शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। शेखावत के स्थान पर मदन लाल सैनी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी ओर मोदी सरकार बनने पर शेखावत को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शेखावत एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पिछली सरकार से प्रमोट करके केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी संवेदनशील है जोधपुर। ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से जोधपुर सबसे अधिक संवेदनशील हो चुका है। कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी सबसे अधिक अलर्ट, इनको यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो वहीं केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अब जोधपुर की हर एक समस्या का समाधान करना तुरंत प्रभाव से होगा, और किसकी पोल में जाएगा ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में चंद्रेश कुमारी को हरा कर सांसद चुने गए थे। उसके बाद वे 2016 में मोदी सरकार के अंदर मंत्री बने। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफ़ी खास माने जाते हैं। वहीं राजपूत होने की वजह से भी गजेंद्र सिंह शेखावत को एक अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है। पिछली सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ में थे, लेकिन इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि वे चुनाव जीत गए हैं परंतु उनको मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम अब ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वैभव गहलोत को हरा कर चुनाव जीते हैं और केंद्र में मंत्री बने हैं। वहीं विदेश में रहकर काम करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत अब पूरी तरीके से देश की सेवा में प्रेमित हो चुके हैं। उनको लगता है कि देश में विकास की कमी है, वो विकास वे पूरा करेंगे। आपको बता दें गजेंद्र सिंह शेखावत विदेश में खेती किया करते थे, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं विदेश में। अब वे जयपुर राजस्थान देश में सक्रिय हो चुके हैं। सूर्य नगरी जोधपुर की बात करें तो हर तरीके से एडवांस बनाना चाहते हैं जोधपुर को, तो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर तरीके से जोधपुर को एडवांस करने में लगे हुए हैं। एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं भी अशोक गहलोत लेकर हैं, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत भी पूरी तरीके से केंद्र की बड़ी बड़े मुख्य मुख्य जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनको भी अब जोधपुर शिफ्ट करने में लगे हुए हैं, ताकि वे जोधपुर में एक छत्र राज कर सके। कुल मिला के हम बात करें तो जोधपुर आज की तारीख में सबसे हॉट सीट है, हॉट सिटी है, पावर सिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नेतृत्व जोधपुर के हैं पूरे राजस्थान से। मुनव्वर अली, जोधपुर, लोकवार्ता से।